सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाग जो बैक मार रहे हैं जिम के अंदर, उनकी बॉडी में जरूर से ज्यादा क्रैम्प बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्रैम्प मतलब कि अकड़ना एक तरीके से, और उनकी जो नस है यानी कि पल्स, उनकी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, और वो ज्यादातर पेन बताते हैं अपना यहाँ से रिलेटेड, ये इस तरीके से कहते हैं जांघ की साइड में बहुत पेन होता है, और उनकी ये लोअर पे बहुत पेन होता है, क्योंकि जब वो बैंड होते हैं तो इस तरीके से उनके बहुत ज्यादा पेन की शिकायत आई है। अब ज्यादातर लोग बाग ये सोचेंगे कि भैया बैक मारते टाइम तो ये चीज होती है पेन की, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ होते हैं मीठा पेन, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा हार्डली पेन, और जो हार्डली पेन होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, जो मीठा पेन होता है उनका इलाज ये होता है कि आपकी बैक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका फंडा क्या है, कि ज्यादातर लोग बाग जो जिम के अंदर बैक मारते हैं यानी कि जो डेडलिफ्ट की पोजीशन यूज करते हैं, स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट मारते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा ये ट्रेजेडी देखने को मिली है कि उनके पेन क्रैम्प बहुत आते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आप बैक मारते हो यानी कि आप डेडलिफ्ट मारते हो, बैक मारने से पहले उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को सबसे पहले वार्म अप नहीं हुई होती है, तो सबसे पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है, आपकी बैक को हीट किया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में कहीं भी क्रैम्प ना आए, कोई भी नस ब्लॉकेज ना हो। अगर इस पार्ट को जब तक आप वार्म नहीं करोगे, बेसिकली जो आपका कमर का ये पार्ट होता है, तो आपके साथ ये दिक्कत हमेशा रहेगी और आगे तक रहेगी, और आपकी जो बैक है कभी लाइफ में स्ट्रांग नहीं हो सकती। जो लोग लिफ्ट करना चाहते हैं 200 kg, 500 kg, मेरे कहने मतलब जो कॉम्पिटिशन लेवल का वेट होता है, या 150-200 कोई भी एक्सरसाइज जो वेट होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले एक मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट मार रहे हैं वो डेडलिफ्ट बिल्कुल ना मारे, क्योंकि आपके साथ सबसे जो पेन की शिकायत हो इसीलिए, क्योंकि आप सबसे पहले डेडलिफ्ट मारते हो, देन उसके बाद अपना बैक का अप्लाई करते हो वर्कआउट। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा इजीली फंडा बताता हूं, अगर आप स्टार्टिंग में भी डेडलिफ्ट मारते हो तो सबसे पहले आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मशीन देख रहे हो, इसको बोलते हैं हाइप एक्सटेंशन मशीन, जो आपकी बैक से रिलेटेड होती है और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, बातचीत बता दूं किस तरीके से। तो ये जो आपकी बेंच है, बेसिकली ये जो लेंथ है, ये आपकी लेग्स पर यहाँ होनी चाहिए, यानी कि इस सेक्शन पर आनी चाहिए पूरी ये लेंथ, ये आपका ये किनारी जो है इस सेक्शन पर आनी चाहिए, ठीक है। इस सेक्शन पर कैसे आएगी, आपको यहाँ से एडजस्ट करनी है। अब ये सिंपल सा पंडा है, और ज्यादातर लोग जब वो बैक मारते हैं तो क्या करते हैं, वो पैर तो नीचे टिका लेते हैं जैसे आप मेरे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है इस तरीके से, मगर आपको पैर यहाँ ना टिका के आपको ये ऊपर इस तरीके से रखने होते हैं ताकि ये पीछे अटक जाएं और ये आपका सरफेस यहाँ आ जाए। ये देख सकते हैं आप, ये सरफेस है मेरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जो मेरे थाइस का स्टार्टिंग लेवल होता है वो तो यहाँ पर है, ओके। तो नाउ आपको यहाँ पर ही अटकाना है, और जिसकी हाइट ज्यादा हो हाइट के हिसाब से यहीं रखना, याद रखिएगा। और आपको ये प्रॉपर इस तरीके से लेना, ना ही यहाँ पे कोई वेट लीजिएगा, ना ही डंबल लीजिएगा, ये सबसे ईजी और सबसे रिलैक्सेशन फंडा है। तो आपको यहाँ हाथ रखते हैं लाइक दिस, तो आपको ये डाउन जाना है इतने पोर्शन में, लाइक अप। एक बार साइड से एंगल में दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि कहां तक जाना है, साइड से दिखाएं एक बार प्रॉपर। सी, अब मेरा पोर्शन देखिएगा, मेरा एंगल जा रहा है वी एंगल में, यानी कि एक तरीके से कोई एक तिरछेपन में खड़ा हुआ, उसको एंगल बोलते हैं, शायद 30 डिग्री के आसपास बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइक सी, सो नाउ वन यहां तक आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी, टाइट करके चलेगी और आपके पैर यहां अटक जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ वन टू इस तरीके से थ्री, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से इसके प्रॉपर तरीके से दो सेट लेने हैं, वो भी 20-20 के, जिससे आपकी पूरी बैक वार्म हो जाएगी। और आपको लगता है कि दो सेट में कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको 3 सेट तक भी लेके जा सकते हैं, 20-20 के 3 सेट निकालिएगा, देन उसके बाद डेडलिफ्ट अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसके बाद अप्लाई करते हैं तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं, ना तो आपकी बॉडी में क्रैम्प आएंगे, नहीं आपकी कोई नसेस ब्लॉकेज होगी या पेन करेगी, कुछ भी ऐसा फंडा नहीं आपके साथ होने वाला है। और मे भी शायद आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सवाल हो मुझसे वहां से पूछ लीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।